मम्मी जी क्या हुआ? मम्मी जी विक्रम, अरे विक्रम कहाँ आओ, जल्दी आओ, मम्मी जी को देखो क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं मम्मी जी बेहोश हो गई अचानक से। अच्छा चल, कोई नहीं तो मैंने इनको हॉस्पिटल। अरे यार कितनी देर में आएंगे ये? लगता है मम्मी जी की तबीयत ना ज्यादा खराब हो गई है, जब तो अभी तक नहीं आई ये। काम करती हूँ मैं भी हॉस्पिटल जाऊँ क्या? नहीं नहीं क्या, अगर मैं हॉस्पिटल गई मम्मी जी आ गए घर पे तो काम करती हूँ, जब तक ये लोग आते हैं ना इनके लिए कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ खाने के लिए। मम्मी आप? हाँ बेटा। आप तो हॉस्पिटल में गए थे ना, आप यहाँ कैसे? अभी तबीयत ठीक है आपकी? हाँ ठीक है बेटा। देख बेटा ज्योति, मैं तेरे से कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ मम्मी जी बोलो। बेटा जैसे तूने मेरा ख्याल रखा ऐसे ही मेरे बेटे का भी ख्याल रखना, तू बहुत अच्छी है, और बेटा घर को अच्छे से बनाए रखना। लेकिन मम्मी जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप कहीं जाने वाले हो क्या? देखो बेटा मैं कहीं नहीं जा रही, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है तेरे को समझाना, अपने घर को अच्छे से संवार के रखना और खुशियों से भरा रखना बेटा, ये तेरी जिम्मेवारी बनती है। और बेटा अब मैं बूढ़ी हो गई, अब ये जिम्मेवारी मैं तेरे को देती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, ये चाबी ना आप ही रखो, इन चाबियों का बोझ ना मैं नहीं संभाल सकती, और वैसे भी आपको तो यही रहना मेरे साथ, आप चाबी रखो या मैं रखूं, बात तो एक ही है। बात अगर एक है बेटा तो इसकी जिम्मेवारी ले लो ठीक है। और बेटा मेरा एक सपना था कि मेरे घर में एक पोता आए, और ये जिम्मेवारी तेरी है बेटा, ध्यान रखना बेटी, घर को संभाल के रखना ठीक है बेटा? ठीक है उम्मीद। अरे आ गए तुम? हाँ। क्या हुआ इतने परेशान क्यों? मम्मी। क्या मम्मी? मम्मी जी तो ठीक है, फिर इतने परेशान क्यों हो रहे हो? ज्योति मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, माँ को एडमिट कराने के बाद डॉक्टर ने बताया कि बहुत सीरियस कंडीशन है। सीरियस है? डॉक्टर ने बोला कि ये अटैक बहुत बड़ा है। अरे तुम कैसे बात कर रहे हो, अभी ना मैं मम्मी जी से बात कर रही थी, मम्मी जी ना बिल्कुल ठीक है। मैं जानता हूँ ज्योति तुम मम्मी से बहुत प्यार करती हो, लेकिन सच्चाई यह डॉक्टर ने बताया कि अब माँ का बचना बहुत मुश्किल है, वो हमारे बीच नहीं रहेंगी। पागल हो गए हो क्या? ये देखो अभी ना मम्मी जी ने मुझे चाबी दी, और मैं और मम्मी अभी तो मम्मी जी यहीं पे बैठी थी और उन्होंने मुझे चाबी भी दी, पता नहीं अभी कहाँ चली गई। चाबी तो माँ के पास ही रहती थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है, माँ का तो मैं अभी एडमिट करवा के आया हूँ। ये मुझे अभी अभी मम्मी जी ने चाबी दी, पता नहीं कहाँ चली गई अभी अभी मैं। हाँ डॉक्टर साहब। क्या क्या हुआ? माँ इस दुनिया में नहीं रही। कैसी बात कर रहे हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, काम करते मम्मी के पास चल रहे हैं। सही कह रहे तुम, आखिरी बात माँ का चेहरा तो देख ली। चलो जल्दी।